आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिक्स दाल की रेसिपी, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 चम्मच उड़द की दाल, ये छिलके वाली, बिना छिलके वाली धुली हुई दाल है। मूंग दाल ली है मैंने यहाँ पर 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच, और 3 बड़े चम्मच हमने लिया है यहाँ पर चने की दाल। इन तीनों दालों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। दाल को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से धो लिया है। अब इसे हमें कुकर में डाल देते हैं। कुकर में डालने के बाद हम पानी भी अपने हिसाब से डाल देंगे जितनी हमारी दाल को चाहिए। दाल डालने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 कटा हुआ आलू, 2 कटे हुए टमाटर, 2 हमने यहाँ पर प्याज ली हैं, और 2 से 3 हमने यहाँ पर ग्रीन चिली ले ली हैं। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है, ये सब्ज़ी कम दाल ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। जब भी कभी भी आपको कुछ एक ही मील बनाना हो, हेल्दी हो और अच्छे से पेट फुल हो जाए, तो आप इस दाल को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है। तो हमने सारी चीज़ें दाल में डाल दी हैं। साथ में डाल देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच के लगभग, साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के लगभग शुद्ध घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे हमारी जो दाल है वो उफनाती भी नहीं है और स्वाद भी अच्छा आता है। अब हम इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, या फिर जब तक आपकी दाल कुक ना हो जाए। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, मैंने यहाँ पर 4 से 5 सीटी लगाई हैं। अब ये देखिए दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, आलू टमाटर और प्याज वगैरह भी अच्छे से हमारे कुक हो गए हैं। मैं इन्हें ऐसे ही रहने देने वाली हूँ, अगर आपको इन्हें मैश करना हो तो आप मैश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी दाल गल गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो अब हम इसमें लगाते हैं एक तड़का जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, अब इसमें डाल देंगे शुद्ध घी 2 चम्मच के लगभग। तड़का हमेशा शुद्ध घी का लगाने से बहुत ही स्वाद आता है। अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते, इनको भी अच्छे से हम क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई के दाने, साथ में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। इन दोनों को बहुत अच्छे से भूंजना है। मिर्च हमने पहले ही ऐड कर रखी है, इसलिए हम मिर्च इसमें ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो लाल वाली सूखी 1-2 मिर्च डाल सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से इस मसाले को भूंज लेना है। आप ये सारा प्रोसेस तड़का पैन में भी कर सकते हैं। लास्ट में इसमें डाल देंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे हमारी दाल में बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट आता है। तो जैसे ही लाल मिर्च डालें, आप पैन को बंद कर दें, गैस का फ्लेम बंद कर दें, और उसके बाद ये गर्मा गर्म दाल को हमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कितना शाइनी इसका, बिल्कुल ढाबे या फिर रेस्टोरेंट जैसा कलर आ गया है। तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया कलर भी आता है, साथ में इसका टेस्ट एकदम ढाबे की दाल जैसे लगने लगता है। और लास्ट में हम डाल देंगे इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया, और बहुत ही यमी टेस्टी सी हमारी मिक्स दाल बनकर तैयार हो गई है। यदि आपके घर में राहर की दाल डालना हो तो भी आप उसे भी डालकर इसी तरह से बना सकते हैं। मिक्स दाल इस तरीके से बनाइए, घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है। साथ में इसमें हमने आलू वगैरह भी ऐड किए हैं, तो इसमें हमें सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने राइस ले लिए हैं, और अब हम राइस के ऊपर लगा देते हैं हमारी ये दाल। आप देख सकते हैं देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये दाल बनी है, ऐसा लग रहा है कि मसाले वाली सब्जी है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।